जय हिंद। दिनेश कुमार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली जिले के NH-39 हाईवे पे और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज पूरा कांग्रेस कमेटी दल यहां पर बैठा हुआ है। NH-39 पर धान का रोपण करके इस खराब सड़कों के सुधार के लिए एक विरोध प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम में देखा जाए मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह चौहान जी और कांग्रेस कमेटी शहर के सचिव अरविंद सिंह चंदेल जी का आगमन होना है। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पूरे आंदोलन का, इस पूरे धरना प्रदर्शन का संचालन किया जाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सभी यूथ यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी जो हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। लोगों के हाथ में अलग अलग तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं। इस सड़क के संबंध में बहुत सारे जो भी उनकी मांगे हैं, इस सड़क के सुधार में जिस प्रकार से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देखा जाए तो सिंगरौली की सड़कें, ये NH-39 की जो सड़कें हैं बहुत ही खराब स्थिति में हैं और इन सड़कों पर आए दिन कई सारी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। तो ये तो वास्तविक है और ये सही भी है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द सुधारा जाए, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं उन लोगों का आगमन नहीं हुआ। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ के कुछ खास लोगों से जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। ये कर दिए, वो कर दिए, ये क्या है? 102 किलोमीटर की जो सड़क बद से बदतर है, चलना मुश्किल है। क्या वो महंगी साड़ी और महंगी गाड़ी वाली दीदी को दिखाई नहीं देता? वो आती है सिंगरौली में और सूर्याभवन में मुफ्त की रोटी तोड़ती है, मायका बना करके रखा है, मायका बना करके रखा है। और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यदि मेरी आवाज सांसद महोदय के पास जाती हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्त की रोटी सूर्याभवन में तोड़ना बंद करिए। आइए सड़क पर आइए, जो जनता ने आपको वोट दिया है उस वोटों का हिसाब दीजिए। सिंगरौली की जनता ने 2.5 लाख मतों से आपको विजय बना करके, सांसद बना करके दिल्ली में भेजा है मेरे साथियों। आज जो लोग केवल कांग्रेसी ये झूल नहीं खा रहे हैं, केवल कांग्रेसियों के लिए बस ये सड़के गड्ढा नुमा नहीं हुई है, सिंगरौली का हर आम आवाम कहीं न कहीं से प्रभावित है। आज हमको मंडल दिल्ली गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री हुआ करते थे, हम लोगों ने उनसे एक मांग की कि हमारे यहाँ की सड़क बहुत ही खराब है, जर्जर है। हमें याद है उसके, क्योंकि उस वक्त सभ्य दाऊ साहब थे, उनसे हम लोग सब मिले थे, उन्हीं के माध्यम से भूतल परिवहन मंत्री जी से हम लोगों को मिलने का मौका मिला। दाऊ ने स्वयं बात की थी और 15 दिवस के भीतर इस सड़क के लिए 4,000 करोड़ रुपए उस वक्त आया। लेकिन ये प्रदेश की सरकार, ये मामा की सरकार इस सड़क को किस तरह से टेंडर कराई, वो पैसा कहां चला गया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इसके बाद इनकी सरकार केंद्र में आई, 6 वर्ष जो माननीय सांसद है उन्हें 6 वर्ष हो गया, हर सप्ताह में सिंगरौली की पेपरों में सुर्खियां बनती हैं कि माननीय सांसद जी सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से मिलकर उन्होंने मांग की कि NH-39 को जल्दी बनाया जाए। और आज सीधी सीधी संसदीय क्षेत्र ने कहां कभी कर दी है, पार्टी भी कुछ नहीं कर पा रही है। सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है जो आप सजा दे रही हैं, चाहे वो शिवराज जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और दूसरी बार आप सांसद हो रही हैं। इतना बड़ा दोनों हाथ से जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसके बाद भी सीधी और सिंगरौली की जनता ने क्या कसूर किया है कि ये दुख भोगना पड़ रहा है। अभी सिंगरौली से कोई किसी को कह दो कि सीधी जाना है तो कहेगा भैया और दूर खेत दे, दिल्ली उल्ली सीधी मत भेज, सीधी वालों को कहो सिंगरौली। एक बात ध्यान आती है, जब स्टेट का जमाना था तो कभी
जब सजा मिलती थी तो इनको सजा दे दो भैया, सिंगरौली काला पानी, ये काला पानी भेजते हो, वहां भेजते हो, ये सजा हो जाएगी। और लोग नाम ही रखते थे बैरन, लोग कह देते जाए बैरन की, वो आज याद आ रही है। आते हैं उसको पहले छन्नी में छान लीजिए, उसमें जो निचोड़ निकलता है उस पर अमल कीजिए। कल लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन, मैं सुबह 17 से 10:30 निकला, शाम को 6 मैं सीधी पहुंचा, रास्ते में मुझे एक कुत्ता भी नहीं मिला, रोकने वाला, टोकने वाला, पूछने वाला। ये सब औपचारिकताएं चल रही हैं, इसको लेकर जो देश में एक माहौल बनाया गया है डर और भय का, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोरोना एक संक्रमण है, इसको सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्राण चले ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हौसला होगा हिम्मत होगी तो जिंदगी की हर जंग को हम जीतेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये आज का धरना एक मुद्दे को लेकर है। बद्दा हमारे राजेंद्र भदौरिया जी रास्ते भर हमसे कहते आ रहे थे अपन को बहुत संक्षिप्त में खत्म करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बोलना है, ज्यादा लोगों को नहीं बोलना, सबसे ज्यादा समय इन्हीं ने लिया। ये जो वरिष्ठ लोग हैं ना, जो हम लोगों के ऊपर बैठे हैं, गड़बड़ यहीं से हो रही है। नीचे वाले तो बेचारे सुन लेते हैं, अब दद्दा को कौन रोके कौन टोके। मैंने 2 घड़ी की तरफ इशारा किया तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आदरणीय साथियों, कुल मिला के बात यह है, ये जो एक सांकेतिक धरना है, ये टोकन है, ये आदरणीय राहुल भैया की पहल पर उनकी चिंता को लेकर उनके दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार हमने सीधी जिला कांग्रेस कमेटी, सिंगरौली जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित करने का मन बनाया था। लेकिन अरविंद भाई की और सिंगरौली के हमारे तमाम साथियों की इच्छा थी कि हम लोग अपने स्तर पर अलग से एक आंदोलन की रूपरेखा तय करना चाहते हैं, इसलिए ये 2 में बटा और सीधी का कार्यक्रम हम लोग संपन्न करके आ रहे हैं सिंगरौली में, हम सब आपके बीच में। ये टोकन है, ये सांकेतिक धरना है, जैसे शादी ब्याह में एंगेजमेंट होती है वैसी ये एंगेजमेंट है, टोकन है। तो यहाँ की सांसद महोदया, यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के जितने भी सरकारी अमले से जुड़े हुए लोग हैं, वो कंस मामा तक ये आवाज पहुंचा दें, वे माहिल मामा तक ये खबर कर दें। बस 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 बस, दादा अभी देखेंगे, उनके पास से खबर कर दें कि हर चीज की देर है, अंधेर नहीं है। अगुआ सिंधिया जी का बड़ा जिक्र हो रहा है पिछले 8-10 दिनों से, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए हैं, एक मंडी लग गई है बाजार में विधायकों की, आलू टमाटर के भाव बिक रहे हैं, कल भी एक चला गया गोभी की कीमत पे गया, और 5 के अंदर उसको नागरिक आपूर्ति निगम का चेयरमैन बना दिया गया। प्रजातंत्र की इतनी बड़ी हत्या, और हत्यारे कौन, लोकतंत्र का गला घोटने वाले कौन, नरेंद्र मोदी अमित शाह, ये बताइए। अरविंद भाई।